Sir, why you choose wisdom? What is the unique thing you find in this school? यूनिक चीज़ मैम ये है कि इसके अंदर कि बच्चे जो हैं इतना फ्री फील करते हैं स्कूल के अंदर कि जैसा घर में करते हैं. और बड़ी बात ये है कि जैसे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है ऐसे ही पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है कि बच्चों को कैसे रखना है. आज हम सिंगल फैमिली में रहते हुए शायद इस चीज़ को अपने पेरेंट्स से नहीं सीख पाते. जो चीज़ें वो कमी ये विजडम स्कूल पूरी कर रहा है कि पेरेंट्स को भी ये टीच करता है कि भाई कैसे बच्चों को एटमोसफेयर देना है. पेरेंटिंग टिप्स भी आपको मिल रहे हैं साथ के साथ. और अदर बताइए सर, विजडम स्कूल के बारे में क्या अलग है दूसरों स्कूल से जो विजडम को अलग बनाता है? मैम ये है कि दूसरों से इसलिए विजडम अलग है कि इनका प्राइम मोटिव शिक्षा और बच्चे की गुड एजुकेशन और ओवरऑल ग्रोथ है मैम. और स्कूलों की तरह बिजनेस के लिए ये स्कूल नहीं है मैम. जो चीज़ें हैं ये बच्चे की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी रहती है. उसके लिए पेरेंट्स को भी नाराज़ कर सकते हैं लेकिन ये अपने बच्चों को मतलब हर तरीके की उसकी ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं. जो इस स्कूल के अंदर मैंने जुनून देखा है किसी और इंस्टीट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा. फुली चाइल्ड सेंट्रिक स्कूल. यस मैम. ओके सर, व्हाट इज़ द शेड्यूल ऑफ योर चाइल्ड सर एट होम? एट होम शेड्यूल तो मैम ये है कि सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हैं. उठने के बाद जो डेली की जो अपनी नित्य रूटीन है एक्टिविटीज़ वो करने बाद स्कूल आने के बाद जैसे वो बड़े हैप्पीली तैयार होते हैं मैम. स्कूल के लिए ये नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाना चाहता आज, ये कोई बहाना जैसे हम सुनते थे कि किसी का पेट दर्द है कुछ है ऐसा इन बच्चों में नहीं दिखता मैम. ये हैप्पीली स्कूल आते हैं, अच्छे से स्कूल के अंदर अपना जो भी इनका कुरिकुलम है क्लासेस का है स्पोर्ट्स का है एवरीथिंग जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं और इतनी ही खुशी से मतलब इवन पहले मेरी वाइफ भी जैसे वर्किंग में है तो मैं लेने आता था तो ये कहते थे कि आधा घंटा और पापा अभी हम खेल रहे हैं. तो ये बच्चे जो स्कूल में रह के जो इतने खुश हैं इतना मतलब घर से भी ज़्यादा यहाँ फील करते हैं इस चीज़ के हैप्पीली एनवायरनमेंट. और बातें सर जो आप विजडम को अलग मानते हैं कि और स्कूलों से विजडम अलग है? और स्कूलों से इसलिए भी अलग है मैम जैसे हमारी भी स्कूलिंग हुई है, हम सिर्फ अपने जो क्लास टीचर या जो हमें पढ़ाते थे उनसे ही अवेयर होते थे. ये पहला स्कूल है ऐसा कि मैं ऑफिस में भी विजिट करता हूँ विजडम के कि एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू टॉक विद प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफिस में आना जाना खेलना लगा रहता है कि मतलब हर टीचर के साथ हर बच्चा इंटरेक्ट है और प्रिंसिपल बाय नेम बाय मतलब उनके पेरेंट्स के और एक एक स्टूडेंट्स को पर्सनली जानते हैं कि किसकी क्या हैबिट है कौन क्या कर रहा है कैसा बच्चा है कैसे पैम्पर करना है कैसे उसको रखना है. मतलब प्रिंसिपल किसी भी स्कूल का इतना इन्वॉल्व मैंने कहीं नहीं देखा जितना इस स्कूल के अंदर वन टू वन स्टूडेंट्स के साथ है. सर और मैम हर बच्चे को बाय नेम बाय फेस जानते हैं? यस मैम. हाँ जी सर. और एक्टिविटीज सर जो विजडम में ऐड करना चाहते हो? इतनी एक्टिविटीज हमारे पास पहले ही हैं ऑलरेडी, इनके अलावा जिससे हम और अच्छा कर सकते? मैम जैसे विजडम ने मतलब कि हमेशा बढ़ के ही किया है हर चीज़ के अंदर और अब तो हमारा स्कूल कहेंगे मैम ये हमारा स्कूल है. हाँ जी सर. तो अब बड़ा होने जा रहा है तो उसमें जो कमियां पहले कुछ रही भी होंगी तो सारी कवर अप हो जाएंगी मैम. लाइब्रेरी बड़ी हो जाएगी हमारी, ग्राउंड हमारा बहुत बड़ा हो गया तो हम उस चीज़ के ऊपर कि भाई स्पोर्ट्स के ऊपर इतना हम ध्यान दे सकते हैं कि 11 एकड़ का कैंपस बहुत बड़ा हो जाता है मैम. 4 एकड़ का मेरी बात हुई थी प्रिंसिपल सर से तो वो रनिंग ट्रैक बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मैम. मैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन को पैरेलल रखने के हक में हूँ. मैं बच्चों को कोशिश भी करता हूँ कि पढ़ाई भी इक्वली उतनी मेहनत से करें और उतना ही अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे भी. और मैं इन चीज़ों का डिस्कशन प्रिंसिपल सर के साथ होता रहता है और मैं सेटिस्फाई हूँ कि वो इस चीज़ में करते हैं आगे. क्या अलग है सर विजडम के बच्चों में और दूसरे स्कूल में जो बच्चे हैं उनमें? मैम जो कॉन्फिडेंस मुझे इस स्कूल के बच्चों में नज़र आया है वो दूसरे स्कूल के बच्चों को शायद उतना एक्सपोजर ना हो. उनका उतना एक्सपोजर मतलब बड़े स्कूल का एक्सपोजर तो हो सकता है उनका लेकिन वन टू वन जो बच्चे का एक्सपोजर जैसे यहाँ हर किसी का स्टेज के ऊपर पार्टिसिपेशन है. मैम एनुअल फंक्शन होता है तो हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है इन ग्रुप आइटम या ग्रुप मतलब नाटक या सॉन्ग डांस कुछ भी और इंडिविजुअल भी तो हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है. और स्कूलों के अंदर क्या होता है कि क्लास में से 10 बच्चे पिक किए दे विल परफॉर्म ऑन द एनुअल फंक्शन रेस्ट विल लुक टू